एक्टर न्यूज में आज हम आपको लिए चलते हैं हिमाचल प्रदेश के नूरपुर तहसील के गांव नागाबाड़ी में, जहां पठानिया बरादरी की एक मेल लगती है जो कि वर्ष में दो बार लगती है। आज इस मेल में हजारों लोग जुटे थे जिन्होंने अपने नाग देवता की पूजा की। एक्टिव न्यूज समय है नागाबाड़ी में हिमाचल प्रदेश जिला कांगड़ा के नूरपुर तहसील के अंतर्गत ये जगह आती है। यहाँ जठेरे पठानिया एक स्थान है जहाँ पठानिया जो बरादरी है उनका जठेरे हैं। आज हमारे साथ उस एक रजिस्टर्ड कमेटी है जो इसको चलाती है जठेरे के स्थान को, उनके जॉइंट सेक्रेटरी हमारे साथ है कर्नल रवि पठानिया। आइए उनसे पूछते हैं कि वो कैसे कैसे इसको अरेंज करते हैं और कैसे कैसे वो चल रहे हैं। देखिए, पहला सबसे हमारा एम तो ये है कि जागरूकता पैदा करना। काफ़ी समय से अरसे से ये चीज़ लोग भूल चुके थे कि हमारे जठेरे कहाँ हैं। तो ये 2012 में ये कार्रवाई नीलम जी के थ्रू शुरू हुई थी जो हमारे प्रधान हैं। उसके बाद शुरू में 200-300 आते थे और आज आपने देखा होगा कि हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं, मेरे ख्याल में 10,000 से ऊपर ही हो जाते हैं। मेन मकसद ये है कि पठानिया परिवार को इकट्ठा करना और जठेरों के बारे में इनकी जो संस्कृति है, जो हमारे जो पुराने संस्कार हैं वो क्या होता था, उसको रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। और हमारे साथ नीलम पठानिया हैं जो कि यहाँ के प्रधान हैं। उनसे पूछते हैं कि उनको स्टार्टिंग में किस कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और अब उनका जो पठानियों का सहयोग है वो कैसा है या इनके साथ कैसा चल रहा है। जो भी काम हम स्टार्टिंग में करते हैं उसमें कठिनाइयां तो आती हैं, लेकिन जठेरों का आशीर्वाद, कुल माता का आशीर्वाद होने के कारण इन्होंने किसी की तरफ से हमें कोई भी कठिनाई नहीं आने दी। पब्लिक का पूरा सहयोग मिला, पठानिया बरादरी के अलावा यहाँ बाकी भी सब आते हैं, सभी का भरपूर सहयोग मिला और ज़्यादा कर जो हमारे साथ कमेटी मेंबर रले थे पहले, उन्होंने बहुत ही बारीकी से अपना प्यार से, सहयोग से, हर किस्म से साथ निभाया और आज हमें आशा है कि आगे भी इसी प्रकार निभाते रहेंगे। एक्टिव न्यूज़ के लिए मैं सुरेश पठानिया।